नमस्कार, गोड्डा झारखंड न्यूज में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं झारखंड की मुख्य बड़ी खबरों को। सीबीएसई बोर्ड परीक्षा देने वाले छात्रों के लिए आई बड़ी खबर। सीबीएसई का नया नियम। नए नियम के अनुसार सीबीएसई के छात्र अब 10वीं की परीक्षा में फेल नहीं होंगे। बोर्ड के द्वारा यह निर्णय लिया गया है। आपको बता दें कि कई छात्र गणित या विज्ञान जैसे विषयों में पास नहीं कर पाते, जिनके कारण उनका साल बर्बाद हो जाता है। लेकिन यदि ऐसे छात्र कंप्यूटर या किसी दूसरे स्किल में अच्छे हैं तो सिर्फ एक या दो विषय में अच्छे अंक नहीं होने की स्थिति में उन्हें फेल करने का काम नहीं किया जाएगा। यानी इसका मतलब ये हुआ कि यदि छात्र स्किल सब्जेक्ट में अच्छे अंक प्राप्त करता है तो फेल हुए सब्जेक्ट से उसे रिफ्लेक्स कर दिया जाएगा। इसके बाद 5 सब्जेक्ट के आधार पर उसका परसेंटेज निकालने का काम किया जाएगा। सीबीएसई की इस पहल का अभिभावक, छात्र और शिक्षक ने स्वागत किया है। झारखंड में 10वीं और 12वीं की कक्षाएं शुरू होने के बाद अब जूनियर क्लास शुरू करने की तैयारी चल रही है। कक्षाएं इसी सत्र से शुरू किया जाएगा। ऐसे कयास लगाया जा रहा है कि मार्च माह से शुरू हो जाएगा। इन स्कूलों में कक्षा 6 से लेकर 12वीं तक के स्कूल शामिल होंगे। कोरोना वायरस के संक्रमण को लेकर अब खतरा काफी कम हुआ है। इसके बाद कम से कम 6ठी कक्षा के छात्र स्कूल आ सकते हैं। वहीं शिक्षा विभाग इस मामले में 6ठी से 12वीं कक्षा शुरू करने को लेकर शिक्षकों से राय भी ले रहा है। मौसम विज्ञान के आधार पर झारखंड में 1 और 2 फरवरी को राज्य के उत्तर पश्चिमी भागों में जैसे पलामू, गढ़वा, चतरा, कोडरमा, लातेहार, लोहरदगा, रांची, रामगढ़ तथा गिरिडीह में कहीं कहीं शीतलहर चलने की संभावना है। इस दौरान न्यूनतम तापमान में 4 से 5 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट आ सकती है। झारखंड में पिछले 3-4 दिनों से हुए बदलाव के कारण झारखंड में शीतलहर की स्थिति बनी हुई है। मौसम केंद्र ने इसे लेकर येलो अलर्ट यानी चेतावनी जारी किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया बजट। झारखंड के आदिवासी इलाकों में खुलेंगे एकलव्य मॉडल स्कूल। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज सोमवार को आम बजट पेश करते हुए कहा कि आदिवासी इलाकों में 750 एकलव्य मॉडल स्कूल खोले जाएंगे। बजट में शिक्षा पर जोर दिया गया है। इसके तहत झारखंड समेत अन्य राज्यों के आदिवासी इलाकों में 750 एकलव्य मॉडल विद्यालय खोले जाएंगे। झारखंड सरकार का बड़ा सौगात। मुख्यमंत्री ने दिया प्रस्ताव बनाने का निर्देश। खुलेंगे 2 नए फार्मेसी कॉलेज। राज्य में 20 साल बाद भी एकमात्र सरकारी फार्मेसी कॉलेज। राज्य में 2 और नए फार्मेसी कॉलेज खोलेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्वास्थ्य विभाग को 2 नए फार्मेसी कॉलेज खोलने के लिए कार्य योजना बनाने को कहा है। इसके लिए पूर्व में निर्मित भवनों का ही उपयोग किया जाएगा। नया भवन निर्माण कराने की योजना भी नहीं है। राज्य में सरकारी स्तर पर मात्र 1 फार्मेसी संस्थान रांची के बरियातू में स्थित है। इसकी स्थापना संयुक्त बिहार में हुई थी। राज्य गठन के बाद यहाँ 1 भी फार्मेसी संस्थान नहीं खुला है। फरवरी में भी नहीं चलेगी अमृतसर और अजमेर स्पेशल ट्रेन। कोहरे के चलते दोनों ट्रेन रद्द। जनवरी के बाद फरवरी महीने में भी कोलकाता अमृतसर स्पेशल और कोलकाता अजमेर स्पेशल ट्रेन नहीं चलेगी। रेलवे ने दोनों ट्रेनों को फरवरी में भी रद्द करने की घोषणा की है। इसी तरह धनबाद फिरोजपुर गंगा सतलज एक्सप्रेस को भी फरवरी माह में हर गुरुवार को धनबाद से और हर शनिवार को फिरोजपुर से रद्द करने की घोषणा की है। उत्तर भारत में पड़ रही कड़ाके की ठंड और कोहरे का हवाला देते हुए रेलवे ने 50 ट्रेनों को रद्द किया है। विधायकों के बिगड़े बोल पर भड़के अफसरों ने चताया, अपमानजनक बातें हमें बर्दाश्त नहीं। झारखंड के प्रशासनिक सेवा संघ के आपात बैठक में रविवार को निर्णय लिया गया कि विधायकों और अथवा जनप्रतिनिधियों के स्तर से अपमानजनक बातें हुई तो अधिकारी ऐसे कार्यक्रमों का बहिष्कार करेंगे। अधिकारी खासतौर पर दुमका विधायक बसंत सोरेन और माडर के विधायक बंधु तिर्की के बयान से आहत है। संघ ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि आगे ऐसा किया गया तो राज्य के सभी अफसर ऐसे कार्यक्रमों का बहिष्कार करेंगे। इसके साथ ही आज के समाचारों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।